हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट फोर लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया एंड देन हम एल्गोरिदम्स पे मूव हुए थे। हमने जो एल्गोरिदम्स कवर किए हैं वो है ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द एरे, देन डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे हमने किया था। देन लास्ट लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट किया। चारों एल्गोरिदम्स आई होप आप सबको क्लियर है। प्लीज प्रैक्टिस इट एट होम, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्चिंग, सर्च द डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। बार बार मैं बोलती हुई आ रही हूँ, 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस है जिसके 5 पर हम एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं। पहला है ट्रैवर्सिंग, जस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड। इंसर्टिंग, दैट मींस इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम जो जिस डेटा स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं वो है एरे, तो इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द एरे हम कर चुके हैं। देन उसी एरे में हमने थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डिलीटिंग एन एलिमेंट किया था। डिलीटिंग मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। देन बबल सॉर्ट किया, बबल सॉर्ट मीन्स सॉर्टिंग ऑफ द एरे, लाइक अरेंजिंग, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो हमने एरे पर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम किया, दैट मीन्स सॉर्टिंग का फोर्थ ऑपरेशन, दैट इज सॉर्टिंग भी हमने किया। द नेक्स्ट लास्ट एंड द फाइनल वन इज सर्चिंग। सर्चिंग का क्या मतलब होता है? सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एनीथिंग, राइट? सो सर्चिंग हियर related to data structure refers to the operation of finding the location of given element in the list. जो भी आप data structure ले रहे हो, जो भी list है उसमें आप element की location को find कर रहे हो, उसको searching बोलेंगे। The most commonly used searching algorithms are linear search and binary search. ये दो most commonly used algorithms हैं, linear search and binary search, जिनके algorithms को अभी हम पढ़ेंगे। And exam point of view भी ये दोनों बहुत ही important है। इन लीनियर सर्च, सबसे पहले लीनियर सर्च देखते हैं। लीनियर सर्च, द गिवन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वन बाय वन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्च। यहाँ पर क्या होगा, अगर 10 एलिमेंट्स का लिस्ट है तो जो भी आइटम हमें फाइंड करना है वो आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बाउंड, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करता रहेगा कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे क्या वो यही है, क्या वो यहाँ है। जहां जिस इंडेक्स पर वो एलिमेंट मैच होगा वहां पर हमें हमारा सर्च कंप्लीट होगा, रुक जाएगा एंड हमें रिजल्ट आएगा, दिस एलिमेंट इज फाउंड एट सो एंड सो लोकेशन। बट अगर एलिमेंट नहीं हुआ तो क्या, तो वो भी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम एल्गोरिदम लिखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए लीनियर सर्च काम कैसे करता है। 11, 22, 33, 44 एंड 55, ये 5 एलिमेंट्स का एरे यहाँ पर बना हुआ है। सपोज जो आइटम हमें फाइंड करना है दैट इज 33। लीनियर सर्च ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्वेंशियल सर्च में क्या होगा, जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो दैट विल बी कंपेयर, राइट? उसी से हमें कंपेयर करना है एरे के हर एलिमेंट को। बट कंपेयर करने के लिए लीनियर सर्च कैसे काम करते हैं, लीनियर सर्च उस एलिमेंट को एरे के एंड में इंसर्ट करना है। एरे के एंड में इंसर्ट करना इजी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर अगर 5 एलिमेंट्स हैं और मुझे 6th पोजीशन पर, 6th इंडेक्स पर मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो बस मैं एरे का नाम लूंगी, 6th इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 6 लिखेंगे, दैट मीन 6th एलिमेंट इक्वल्स टू 33, यानी 33 विल बी द डेटा का 6th एलिमेंट नाउ, ठीक है? जो एलिमेंट आपको ढूंढना है आपको उसको एरे के लास्ट में इंसर्ट करना है। लास्ट में इंसर्ट करने के बाद एरे के इसी एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट कंपेयर होगा। ओके, देखिए यहाँ पर एलओसी वन। नाउ ऑफकोर्स हमें यहाँ पर हर एलिमेंट के पास जाना है तो हमें एक काउंटर वेरिएबल लगेगा, और हम वहां पर सपोज हमने लिया है एलओसी नाम का वेरिएबल, उसको 1 से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा लोअर बाउंड 1 से स्टार्ट हो रहा है। वन से स्टार्ट किया, कंपेयर किया डेटा एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, 11 है, इट इज नॉट इक्वल टू 33, सो एलओसी विल मूव फर्दर, राइट? सो एलओसी इज नाउ 2। ये भी हमें एलओसी अपने आप आगे नहीं जाएगा, हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देन डेटा एट 2, दैट इज 22, इट इज नॉट इक्वल टू 33, एलओसी विल मूव फर्दर, यहाँ पर एलओसी इज नाउ सेट टू 3, डेटा एरे के थर्ड इंडेक्स पर इज 33, विच इज इक्वल टू 33, दैट इज इट इज इक्वल टू द आइटम वी आर सर्चिंग। सो द सर्च विल एंड हियर एंड हेंस द आइटम 33 इज फाउंड एट पोजिशन 3rd, राइट? सो दिस वे द एल्गोरिदम विल प्रोसीड, इट विल सर्च ऑल द
ऑल द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बाउंड टिल द एलिमेंट इज फाउंड. अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, सपोज यहाँ पर 33 नहीं होता, तो हर जगह पर सर्च अनसक्सेसफुल आता, राइट. सर्च अनसक्सेसफुल आने पर एक ना एक पॉइंट आएगा जहां पर ये अपने आप को लास्ट एलिमेंट से ही कंपेयर करेगा, राइट. लास्ट एलिमेंट से कंपेयर हुआ मतलब एलिमेंट मिल गया. मिलने के बाद, एलिमेंट को मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि एलिमेंट हमको एरे के 1 to n-1 तक मिला है या n पर मिला है. इफ इट इज फाउंड एट द nth पोजिशन, nth मीन्स लास्ट पोजिशन पर, n means total number of variable, total number of elements in the array, right? अगर 20 elements हैं, मैंने 21st element वो insert किया जो मुझे ढूंढना है, और ढूंढने के बाद पहले 20 searches unsuccessful थे और 21st index पर मुझे element मिला है, that means element मिलते हुए भी it is not there in the array. What we have found is what we already just now inserted, okay? So let's see how this algorithm works. Algorithm for linear search. Linear data is the name of the array, n is the total number of elements in the array, then item is the element to find, LOC is a counter variable. Here data is a linear array with n elements, and item gives the item of information. This algorithm finds the location LOC of the item in data, or sets LOC equals to 0 if the search is unsuccessful. ये LOC हमने जो कि counter लिया है, ये कहाँ आके रुकेगा, जहाँ element मिलेगा, right? So this will give us the location. Let's see first step में क्या हो रहा है. Set data at n+1 equals to item. Item is the item which we are searching. वो हम कहाँ insert कर रहे हैं, data array के n+1 position पर. Okay, that means last के बाद. Then step 2 क्या कर रहा है, LOC नाम का एक variable set कर रहा है, उसको 1 पे set कर रहा है, that is the lower bound. What it is doing, repeat while, repeat करते रहो जब तक data array के LOC position पर is item नहीं है, right? Is not equals to the item, okay? So item नहीं है. अभी first suppose हम यही example लेते हैं, 11, 22, 33, 44, 55 का ही. Then data first position पर item है, नहीं है. आगे आएगा LOC equals to LOC plus one, okay? Data के second position पर item है, नहीं है. आगे बढ़ेगा. Third पर item है. Is third पर 33 है, यहाँ item is also 33. Is it not equal? No, it is equal. Okay, so this will not, repetition will not happen because we are saying this, go on repeating this when it is not equals to item. Okay, so item is found at third, it will come out of the loop. It will check that whatever location you have got, is it equals to n+1? If it is equals to n+1, matlab we have got with the element which we inserted for searching. Okay, so if LOC is equals to n+1, then set LOC equals to 0. But it is not, LOC is 3. 3 is not n+1. n+1 is 6 here, right? There were 5 elements. So n+1 is 6. LOC is 3. Means we have found it at third position. It will not be set to 0 because location which we have found is not n+1. That means the element is found. That means the search is successful. Okay, now let us take one more example. Suppose the same array 11, 22, 33, 44 and 55, five elements are there in the array, and we are taking the same array and just executing this algorithm, how it will work. Set data at n+1 equals to item. The item I'm searching is 25. Okay, so 25 ko yahan par insert kar diya. 25, after inserting 25, set LOC equals to 1. LOC is now set to 1. Okay. Repeat while data at LOC is not equals to item. Data array ke LOC, that is 1. Is it equals to item? No, it is not equals to item. Okay. LOC equals to LOC plus 1. Okay. Now LOC is 2. 2. Data at 2. Data array ke second index per. Item hai? Nahi hai. Okay. 3. 3 per item hai? Nahi hai. 4, 4 पर 25 है, आइटम इज 25, ओके, 4 पर 25 है, नहीं है, 5 पर नहीं है, 6 पर, डेटा एट एलओसी, दैट इज डेटा एरे के एलओसी पोजीशन, 6th पोजीशन पर 25 है, इज इट नॉट इक्वल टू 25, नो, इट इज इक्वल, सो द लूप विल ब्रेक, ओके, इट विल कम आउट,
Now, what LOC value we have got? We have got the LOC value as 6. 6 is equals to 6. N is 5. 5 plus 1. जहाँ पर हमने last element को insert किया है. LOC is 6. N plus 1 is 6. 6 equals to 6. Yes. Then also we are setting LOC equals to 0. That means the search is unsuccessful. Okay. So, यहाँ पर linear search का एक बहुत बड़ा disadvantage ये है कि अगर हम first element से searching start करते हैं तो और अगर हमारा एलिमेंट 100 एलिमेंट्स होते हुए हमारा एलिमेंट 75th पोजीशन पर है तो पहले के 74 सर्चेस अनसक्सेसफुल होने वाली है राइट. तो दिस इंक्रीजेस द टाइम ऑफ सर्चिंग. इसी के लिए लीनियर सर्च ना यूज होते हुए लीनियर सर्च इज ऑल्सो अ टेक्निक बट लीनियर सर्च से ज्यादा टाइम स्पेस टाइम सेविंग सर्च एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च. ना देखिए यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिखाई दे रहा है बाइनरी सर्च एंड सीक्वेंशियल सर्च में. यू डोंट नो व्हाट इज बाइनरी सर्च बट यू नो व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्च राइट. सो यहाँ पर देखिए एरे है ऑफ दीज मेनी एलिमेंट्स. अगर यहाँ पर व्हाट वी आर सर्चिंग इज 37 एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट और 37 11th पर है ओके. तो 10 स्टेप जो है वो वेस्ट जा रही है एंड वी आर गेटिंग द एलिमेंट एट द 11th सर्च राइट. यहाँ पर कंपैरेटिवली देखिए यहाँ पर 37 यहाँ पर भी फाइंड होगा बाइनरी सर्च में एंड जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ स्टेप्स ओके. सो इन थ्री कंपैरिजंस द एलिमेंट इज फाउंड इजंट इट गुड. सो इसीलिए ही बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लीनियर सर्च से ज्यादा एफिशिएंट है. देखते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम काम कैसे करता है. देखते हैं बाइनरी सर्च काम कैसे करते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू दिस जीआईएफ. Binary search, while using this searching method, array should be sorted in increasing numerical order. यहाँ पर linear search में array कैसा भी हो unsorted हो चलेगा. But अगर binary search algorithm use हो रहा है तो array has to be sorted first before searching the element. Okay, सिर्फ sort करने से हमारा अगर search जो 11 steps में complete हो रहा था वो 3 steps में complete हो रहा है तो it is good, right? So let's see. Suppose data is an array which is sorted in increasing numerical order and we want to find the location LOC of a given item of information in the data array. Then binary search algorithm applied works as follows. During each search for the item, the array data is reduced to a segment of elements of data. Okay, मतलब item की जब हम search कर रहे हैं data array में तो ये जो data array है it will be divided into segments. How it will work? Let us see. It's from beginning to end, right? देखते हैं BEG and END. ये variables क्या denote करते हैं? या BEG that is beginning and end variables denoted the beginning and the end locations of the segment. Initially under consideration. Initially segment क्या है? Initially segment is our complete array. Okay? This algorithm compares the item with the middle element. डेटा एट मिड डेटा एरे के मिड पर एलिमेंट को कंपेयर करेगा ऑफ द सेगमेंट वेयर मिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिड इक्वल्स टू आईएनटी बिगिनिंग प्लस एंड बाय टू. पता नहीं हमें क्या बोलना ठीक है देखो लेकिन मैं बताती हूँ. अगर 10 एलिमेंट्स है 1 to 10 इंडेक्स है उसका एलिमेंट्स कुछ भी होने दो बट दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर बाउंड इज 1 अपर बाउंड इज 10 मिड कैलकुलेट करना है. नाउ मिड कैसे कैलकुलेट करना है? लोअर बाउंड इज योर सेट टू बीईजी एंड अपर बाउंड इज सेट टू ईएनडी बिगिनिंग. इसका एग्जांपल मैं वापस आपको बताऊंगी बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. बिगिनिंग इज 1 एंड इज 10 प्लस 1 इज 11 बाय 2 व्हिच इज 5.5 राइट. बट इंटीजर कंसिडर करना है यहाँ पर. आईएनटी मीन्स कन्वर्ट दिस टू इंटीजर ओके क्योंकि 5.5 इंडेक्स नहीं है यहाँ पर. 11 by 2, 5.5 and it, integer is 5. So mid is set to 5. 1, 10. Mid kaha mila? 5. Ab comparison start hoga. Element, jo element data array ke 5th position par hai, usse compare hoga ki kya wo item hai, the item which we are finding. If it is there, okay. If it's not, then what? Dekho. If data ke mid position per item hai, then the search is successful and we will set the location is mid. That means we found the element. Okay. But aise to nahi hoga, bas pehle hi mid mein mil jayega. Quite ho bhi sakta hai, but agar nahi hai, to kya? Otherwise, a new segment of data is obtained as follows.
मीन्स उसी डेटा एरे का एक नया सेगमेंट कंसिडरेशन में आ जाएगा, कुछ डिलीट नहीं होगा, बस कंसिडरेशन चेंज होगा. कंसिडरेशन कैसे चेंज होगा? इफ आइटम विच वी आर सर्चिंग इज लेस देन डेटा एरे के मिड वाला एलिमेंट, हमें जो मिड में मिला है वो बड़ा एलिमेंट है और हम जो ढूंढ रहे हैं वो छोटा है, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हमें जो ढूंढना है वो एलिमेंट एरे के लेफ्ट हाफ में है. राइट, लेफ्ट हाफ में क्यों बोल रही हूं मैं? मिड से कम वाले इंडेक्सेस पर है. क्यों कम वाले इंडेक्सेस पर है? बिकॉज द एरे इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, वी विल टेक दिस एग्जाम्पल. इफ दैट आइटम इज लेस देन डेटा एडमिट, देन द आइटम कैन अपियर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेगमेंट. That is, अब क्या होगा? अब मुझे beginning to mid पे नहीं था, तो mid से एक कम तक data array को consider करना है. That means now the array into consideration will be data का beginning plus one, data admit minus one तक. मतलब half of the array is gone now. Gone in the sense it is not into consideration now. So ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to set एंड इक्वल्स टू मिड माइनस वन. एंड जो कि अपर बाउंड था पहले, अब वो अपर बाउंड ना होते हुए मिड माइनस वन है. मिड माइनस वन हो गया मतलब द एरे इज सपोज डिवाइड नाउ ब्रोकन इन टू हाफ बाय हाफ नाउ बिकॉज वी हैव टू सर्च दिस हाफ ऑफ द एरे फॉर द एलिमेंट. ओके, पर अगर ऐसा ना होता, अगर जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं और जो हमें मिड पर मिला है, आइटम जो हम ढूंढ रहे हैं वो बड़ा है, तो क्या होता? देन द आइटम कैन अपियर इन द राइट हाफ ऑफ द सेगमेंट. सो क्या कंसिडरेशन में आता है? अरे ये राइट साइड कंसिडरेशन में आता, दैट मींस मिड के बाद वाला एक एलिमेंट से लेके एंड तक. राइट, सो डेटा एट मिड प्लस वन, मिड प्लस टू एंड अप टू एंड, ये वाला हाफ कंसिडरेशन में आता. सो अगेन एंड अगेन द सैंपल साइज विल बी डिवाइडेड इंटू हाफ. हम कंसिडरेशन में जो लेते जाएंगे वो हाफ हाफ होता जाएगा, एंड हर एक बार नया मिड कैलकुल कंसिडरेशन में जो एरे जितना एरे है उसको लेते हुए नया मिड कैलकुलेट होगा. नया मिड कैलकुलेट होके उस मिड पर एलिमेंट सर्च होगा. ओके, सो इफ बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि आइटम ना हो, इस पे हम बाद में आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ये देखिए, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर्ड है. इंडेक्सिंग यहाँ पर जीरो से स्टार्ट है. मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी आप एरे बनाएंगे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. ओके, ठीक है, जीरो हो वन हो डजंट मैटर, कंसेप्ट सेम रहेगा. देखते हैं क्या है. दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड. ओके, सो हम हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से चलेंगे. दिस इज बिगिनिंग एंड दिस इज एंड. बिगिनिंग प्लस एंड, जीरो प्लस नाइन डिवाइडेड बाई टू, 4.5. तो मिड इज नाउ 4. देखिए यहाँ पे मिड पे सर्च किया हुआ है, जो मिड पे सेट किया हुआ है, मिड इज सेट टू 4. द नंबर विच वी आर सर्चिंग इज 7 ईयर. ओके, तो हमें मिड पे क्या मिला? 5. व्हाट वी हैव गॉट इज लेसर देन व्हाट वी आर सर्चिंग. सो द राइट हाफ विल बी इनटू कंसिडरेशन. राइट हाफ कंसिडरेशन में है मतलब बिगिनिंग विल शिफ्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग है, बिगिनिंग विल शिफ्ट टू मिड प्लस वन. ओके, सो नाउ मिड प्लस वन पे आ जाते हैं. मिड प्लस वन दैट मीन्स 5 पर आ गया. ओके, अब देखिए इतना पार्ट हमें कंसिडर ही नहीं करना है. मतलब अब मुझे नया बिग मिला, नया बिगिनिंग मिला और एंड वही है, तो न्यू बिग एंड एंड को लेते हुए वी विल कैलकुलेट द मिड अगेन. ओके, 9 + 5 = 14 डिवाइडेड बाय 2 = 7, तो मिड इज 7. Compare this mid wala element with the item we are finding is 7. What we have got is 8. See, yahan par dono points cover ho rahi hai. What we are searching is 7 aur humne mila jo hai wo bada hai. Bada hai. That means our element will be on the left side of the array. To ab kya shift hoga? Ab end shift hoga. End kahan shift hoga? Mid se ek kam. So mid minus 1. Mid was 7. Minus 1 is 6. Now end is set to 6. बिगिनिंग वहीं पर रहेगा. बिगिनिंग इज 5, एंड इज 6. 5 + 6 = 2, 11 / 2, 5.5. सो बिगिनिंग भी यहाँ पर है 5 पर, एंड मिड भी देखिए यहीं पर है, दैट इज 5. एलिमेंट कंपेयर होगा, एलिमेंट इज 7. क्या हमें 7 मिला है? नहीं, 7 से छोटा मिला है, मतलब 7 होगा राइट साइड ऑफ द एरे में. सो अगेन नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ बिगिनिंग विल शिफ्ट टू मिड प्लस 1.
ओके सो मिड प्लस वन मतलब 5+1 यानी 6, 6 पर तो एंड ऑलरेडी है, ओके एंड इज ऑल्सो 6, बिगिनिंग इज ऑल्सो 6 नाउ, तो ठीक है 6+6 12 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 6, सो बिगिनिंग भी ये है एंड भी ये है एंड मिड भी यहीं पर आके रुका है, ओके नो प्रॉब्लम. देन द नंबर इज अगेन कंपेयर्ड विद दिस मिड, ओके 7 इज फाउंड, यस 7 इज फाउंड हियर एंड द सर्च इज सक्सेसफुल. ओके सो दिस वे इट वर्क्स, इट रिड्यूसेस द सैंपल साइज इनटू हाफ्स आफ्टर कंपेयरिंग द मिडिल एलिमेंट एंड इन ईच एंड एवरी स्टेप द मिडिल एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड. If whatever we are searching is lesser than what we have got, then the left side of the array will be compared. That means end will shift to mid, mid minus one. And if what we are searching is greater than what we have got in the middle, then the beginning will shift to mid plus one, and the right side wala array will be considered. Okay, काफी examples है, जब हम algorithm करेंगे तभी भी देखेंगे. Now quickly see how we are getting this 37 here. See 37 mid was 8. Okay, so right part is now considered. Again new mid calculated, not found. Again new mid is calculated, again not found. Now mid is here only at the 11th, where low and high, and the search is successful in just 3 step compared to 11 steps in sequential search. Now we understood algorithm काम कैसे करता है. एक और साइड है इस एल्गोरिदम क्या कि हो सकता है जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं वो उसमें है ही नहीं, राइट right? तो तब एल्गोरिदम क्या करेगा, इफ द आइटम इज नॉट इन द डेटा देन इवेंचुअली वी विल ऑब्टेन एंड इज लेसर देन बिगिनिंग, मींस इधर बिगिनिंग विल गो हायर देन एंड और एंड विल गो लेसर देन, क्योंकि एंड और बिगिनिंग बार बार चेंज होते जा रहे हैं. तो ठीक है, तो आइटम अगर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, जब हमारा एंड बिगिनिंग से छोटा हो जाएगा. इक्वल है, अलाउड है, पर अगर एंड बिगिनिंग से छोटा हो गया दैट मींस हम पूरा एरे ट्रैवर्स कर चुके हैं, हमें एलिमेंट पूरा एरे हम सर्च कर चुके हैं, हमें एलिमेंट नहीं मिला है. ओके सो इट मींस दैट द सर्च इज अनसक्सेसफुल. इन दिस केस वी विल असाइन, इन दिस केस मीन इन विच केस, व्हेन द एंड बिकम्स लेसर देन बिगिन देन वी विल असाइन एलओसी इक्वल्स टू नल. दैट मींस that the array element, the element is not found. Generally we begin with big equals to 1 and end equals to n, or more generally we can say beginning equals to lower bound and end equals to upper bound, which I already told you. Beginning is 1, that is lower bound, end is n, that is the upper bound. Let's see the algorithm for binary search. एल्गोरिदम को समझना बहुत इजी होगा आपके लिए अगर आपने अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा है वो ध्यान में रखा है तो. ओके सो बाइनरी सर्च, बाइनरी इज द एल्गोरिदम, डेटा नेम ऑफ द एरे, एल बी लोअर बाउंड, यू बी अपर बाउंड, आइटम इज द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी आर फाइंडिंग एंड एलओसी विल बी द एलओसी विल वर्क एज अ लोकेशन का वेरिएबल. ओके योर डेटा इज सॉर्टेड एरे विथ लोअर बाउंड इज एज एल बी एंड अपर बाउंड एज यू बी एंड आइटम इज गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन. द वेरिएबल्स बिगिनिंग एंड 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 मिड denotes respectively the beginning, end and the middle location of a segment of elements of data. This algorithm finds the location LOC of item in data or set LOC equals to null. It will either find the location or it will set or it will be set to null if the element is not found. How to know that the element is not found? When the beginning will become higher than the end. Or vice versa. Let's see. Initialize the segment variables. Okay. Beginning, BEG नाम का जो हमने variable लिया है, उसको set करते हैं LB पर. Okay. Lower bound पर set किया. END को set करते हैं upper bound पर. मतलब अगर example, अगर 5 elements हैं, lower bound 1 है, upper bound 5 है, तो beginning का value होगा 1, upper and end का value होगा 5. Mid calculate होगा by बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 का इंटीजर लेने से. ठीक है, मिड कैलकुलेट हुआ. अब क्या बोल रहा है, रिपीट द स्टेप्स 3 and 4. दिस इज वेरी इजी एल्गोरिदम टू रिमेम्बर एक्चुअली. रिपीट द स्टेप्स 3 and 4 वाइल बिगिनिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड एंड डेटा एट मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम. ये स्टेप्स सब रिपीट करने बोल रहा है इन दो कंडीशन के मीट होने पर. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये सब चलता है. ओके देखते हैं. If item which we are searching is less than data and mid, हम जो ढूंढ रहे हैं वो छोटा है, that means left part of the array will be considered, right? Left part will be considered means end will shift to mid minus one. See, यही करने बोल रहा है कि end को shift करो mid minus one पे. Okay?
अगर ऐसा नहीं है एल्स, मतलब आइटम जो हम ढूंढ रहे हैं वो लेस नहीं है, वो ज्यादा है, जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो बड़ा है देन द डेटा के मिड पे जो हमें मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम बिग तो राइट साइड वाला कंसिडर होगा, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, बिगिनिंग विल शिफ्ट टू मिड प्लस वन. सो इधर एंड शिफ्ट होगा और बिगिनिंग शिफ्ट होगा एंड द न्यू एरे सेगमेंट इन टू कंसिडरेशन विल कम. देन वॉट इज वॉट शुड बी डन, देन न्यू मिड शुड बी, देन द मिड शुड बी कैलकुलेटेड अगेन यूजिंग द न्यू बिग और एंड. Okay, so mid will be calculated big plus end by 2 integer, again the same formula. Here it is calculated for the first time. Agar first pe element mil jata hai, okay, but naye beginning ya naye end ke saath again hame mid calculate karna. तब तक ये मिड कैलकुलेट होता रहेगा, आइटम डेटा एरे के मिड पर एलिमेंट कंपेयर होता रहेगा हमारा जो हमें फाइंड करना है, जब तक मिल नहीं जाता, जब तक नॉट इक्वल नहीं, जब तक नॉट इक्वल है तब तक होता रहेगा, एंड या तो जब तक बिगिनिंग एंड से छोटा है या इक्वल है, बिगिनिंग एंड से छोटा है या इक्वल है, मतलब कुछ ना कुछ भी अभी भी सर्च करना बाकी है. जब बिगिनिंग एंड से बड़ा हो जाएगा तब हमें इस लूप को ब्रेक करना है, मतलब इवेंचुअली वी विल से दैट द एलिमेंट इज नॉट फॉर्म. सो अब यहां पर देखिए, 3 and 4 स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे कब तक, जब तक ये दोनों कंडीशंस की बात हो रही है. तो लूप कब टूटेगा, या तो ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए, राइट. तो अगर सपोज पहले ये केस कंसीडर करते हैं, अगर डेटा के मिड पर आइटम नॉट इक्वल नहीं है, आइटम नॉट इक्वल नहीं है मतलब इक्वल है, मतलब एलिमेंट मिल गया तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है, मतलब एलिमेंट मिल गया तो इट विल कम आउट. ओके, ठीक है. तो एक कंडीशन में कब कम आउट, कब ये ब्रेक हो रहा है लूप, जब हमें मिड पर आइटम मिल गया है. ओके, अगर दूसरा केस कंसीडर करते हैं, पूरा ढूंढ लिया, नाउ ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बिगिनिंग एंड से बड़ा हो गया है. सो बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, नो, तभी भी ये फॉल्स हो जाएगा, ये भले ही ट्रू हो या फॉल्स हो, ये फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल ब्रेक द लूप अगेन. सो इन दो सिनेरियोज में हमारा ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, तो इन दो सिनेरियोज में से क्या हुआ है, एलिमेंट मिला है तब लूप बाहर आया है, या बिगिनिंग एंड से बड़ा होने की वजह से लूप में से बाहर आया है, तो वही हम स्टेप 5 में चेकिंग करेंगे कि क्या जो डेटा वापस से चेक करें, सी यहां चेकिंग हो रहा है कि इक्वल है या नहीं है इक्वल, यहां हम वापस चेक करेंगे कि डेटा एरे के मिड पोजिशन पर आइटम है क्या, अगर है yes, then mid will be set to LOC. Again, वही mid को LOC पर हम set करेंगे. अगर ऐसा नहीं है, मतलब loop टूटा है, loop break हुआ है, but data के mid पर item नहीं है, that means हमारा पूरा array हम search कर चुके हैं mid calculate कर करके, and beginning has reached above end, a value above end. तो इसके वजह से हो सकता है ऐसा हो और मिड पर आइटम नहीं होगा एट दैट पॉइंट. ओके, तो डेटा एट मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, इज इक्वल टू आइटम वाला कंडीशन फॉल्स होता है, दैट मींस इट विल गो टू एल्स पार्ट एंड द एलओसी विल बी सेट टू नल. ओके, सो एलओसी विल बी सेट टू मिड इफ द एलिमेंट इज फाउंड एंड एलओसी विल बी सेट टू नल इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज स्टेप 6, दैट इज एग्जिट. लेट अस सी, एक एग्जाम्पल ये, इसी को फटाफट देखते हैं. 25 25, ये एक सॉर्टेड एरे है 5 एलिमेंट्स का, वी आर दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड, बिगिनिंग एंड मिड कैलकुलेट हुआ. यहां से मैं वापस आपको एल्गोरिदम के स्टेप्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. मिड कैलकुलेट हुआ, बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2, 5 + 1 = 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर, दैट इज 3. ओके, मिड कैलकुलेट हुआ. सपोज जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो है 46, सो मिड पे मिड इज 3, तो इस एरे के मिड पे 42 है. What we are searching is 46. What will happen? 42 is less. यहाँ पर देखो, item which we are searching is 46. 46 less than data admit. Data admit क्या है? 42. 46 less than 42? No. What will happen? Else beginning will shift to mid plus one. See, beginning is shifted to mid plus one. Now this is the new beginning and this is the end, and this much is the array into consideration. Beginning is 4, end is 5, 4 + 5 = 9/2, new mid is calculated as 4. Now this is step 4, new mid is calculated using beginning plus end by 2. Again it will go up,
Beginning is what? 4, 4, and end is 5, 4 less than 5, yes. And data at mid is not equals to item. Data at mid kya hai? 46. Item kya hai? 46. Is it not equal? No, it is equal. So yahan par repeat hongi nahi steps. It will directly go come out of this loop and compare hoga. Kya data ke mid par जो एलिमेंट है दैट इज 46 इज इक्वल्स टू आइटम इज इट इक्वल आर दे बोथ इक्वल यस दे आर इक्वल सो लोकेशन इज सेट टू द मिड ऑफ द अरे ओके सो नाउ लोकेशन इज 4 दैट मींस वी फाउंड द एलिमेंट एट फोर्थ पोजीशन नाउ लेट अस कंसीडर कि हमें कुछ और एलिमेंट ढूंढना है सपोज अब हमें जो एलिमेंट ढूंढना है वो है से 10 ओके सो दिस इज द बिगिनिंग दिस इज द एंड ओके 10 हमें ढूंढना है 1 प्लस 5 6 मिड कैलकुलेट हुआ 3 हम ढूंढ रहे हैं 10 42 हमें मिला है सी रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 बिगिनिंग इज 1 ओके एंड इज बिगिनिंग इज 1 एंड इज 5 1 लेस देन 5 यस डेटा एट मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम वी आर सर्चिंग 10 व्हाट वी हैव गॉट इज 42 सो दे आर नॉट इक्वल ओके दिस थिंग विल हैपन व्हाट विल हैपन इफ आइटम व्हाट वी आर सर्चिंग इज 10 इज लेस देन 42 यस सो एंड विल शिफ्ट टू मिड माइनस 1 सी And is shifted to mid minus 1. Now this is the array into consideration. Now after setting end to mid minus 1, new mid will be calculated using this beginning and end 1 plus 2, 3 divided by 2, that is again 1. So mid is now set to 1. Now it will go again. Beginning is 1, okay. End is 2, okay. Beginning is lesser than end. Data at mid is equals to it is not equal to item होगा तो ही होगा अगर equal हो जाता है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है right तो ठीक है data array के mid पर क्या है 25 क्या हम जो ढूंढ रहे हैं item वो क्या है 10 क्या दोनों equal है नहीं है okay क्या होगा यहाँ जाएगा right यहाँ जाके क्या करेगा हम जो ढूंढ रहे हैं item 10 ढूंढ रहे हैं 10 is lesser than 25. Okay. What will happen? You will say left part wala consider hoga. See students, bale dikhai dene ke hisab se left hai, right hai, wo nahi. The things will happen. Calculation ho raha hai pura. Okay. Kya hoga? Hum jo element dhoond rahe hain aur hame jo mid mein mila hai, wo chota hai usse. Hum jo dhoond rahe hain, wo chota element hai. To end will shift to mid minus 1. ओके सो मिड माइनस वन पे शिफ्ट हुआ वॉट एवर द वैल्यू इज न्यू मिड भी कैलकुलेट होगा अगेन रिपीट द स्टेप्स 3 and 4 व्हाइल बिगिनिंग इज लेस देन वापस ये सब करने से पहले एलिमेंट कंपेयर करने से पहले चेक हो रहा है क्या बिगिनिंग एंड से छोटा है बिगिनिंग इज 1 एंड इज 0 सो बिगिनिंग हैज बिकम ग्रेटर देन एंड सो हियर इट विल ब्रेक द लूप एंड इट विल कम आउट ओके एंड यहाँ पर कंपेयर होगा क्या कि डेटा के मिड पर आइटम है क्या डेटा के मिड क्या था मिड पे आइटम मिला था क्या हमें 25 था आइटम मिला था क्या नहीं सो एलओसी इज नॉट सेट टू मिड दैट मींस एलओसी इज सेट टू नन ओके सो दिस वाज द केस व्हेन द एलिमेंट इज नॉट फाउंड एंड द फाइनल स्टेप इज स्टेप 6 दैट इज एग्जिट ओके After this, complexity of binary search algorithm is there, which we have to just remember this formula. The complexity is measured by the number of f of n of comparisons. Locate item in data where data contains n elements. Suppose there are n elements in the data array, so each comparison reduces the sample size in half. We will require f of n comparisons to locate the item. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है f of n. कैलकुलेशन कैसे हुआ उसमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है log n to the base 2 plus 1. Now, इस एल्गोरिदम का applications and limitations देख लेते हैं This algorithm is used to search an ordered array. राइट एक ऑर्डर्ड एरे में ही एलिमेंट हम सर्च कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च टू फाइंड आउट द टारगेट एलिमेंट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट इफ प्रेजेंट देन द देन करेस्पॉन्डिंगली इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द एरे व्हाट दिस बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज डूइंग नाउ लिमिटेशन क्या है कि द गिवन लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड ये एक उसका लिमिटेशन भी अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम विल नॉट बी used the access of the list must be random means the middle element can be accessed matlab is tarah se hona chahiye wo list see what we are not going to the element one by one and searching we are just taking the middle fir middle leke hum kahin aur switch kar rahe hain to that access must be there ki kisi bhi random element ko hum access kar paaye agar if that is possible in the list then this binary search algorithm can work on
Okay, so that's all for today's session. Practice this at home. See you very soon. Bye bye. Take care.